जब सारी दुनिया इंडिया के खिलाफ थी तब अकेले रूस ने कैसे भारत का साथ दिया तथा तीसरा विश्व युद्ध होने से बचा लिया, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, जब भारत पाक का विभाजन हुआ तो पाक दो भागों में बटा, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज मेन पाकिस्तान है और जो अभी बांग्लादेश है उसे उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, यानी कि बांग्लादेश एक समय पाकिस्तान का ही हिस्सा था। पाक के लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो अभी बांग्लादेश है उस वक्त अपने ही देश के इस हिस्से के लोगों को हमेशा इंसल्ट करते थे, जैसे कि तुम लोग गधे हो, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, गवार हो, छोटे हो, काले हो, इत्यादि इत्यादि। वैसे तो बीच में काफ़ी कुछ हुआ लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया कि पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाक के ऊपर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया और जुर्म करना शुरू कर दिया। पश्चिमी पाक के लोगों ने पूर्वी पाक यानी कि अपने ही देश के हिस्से के 30 लाख लोगों को कटवा दिया तथा 4 लाख महिलाओं का बलात्कार कर दिया। जुर्म इतना बढ़ गया कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने आप को बचाने के लिए, इस जुर्म से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अवैध तरीके से कम 10 लाख लोग भारत में प्रवेश कर गए। अब इससे भारत की मुश्किल बढ़ने लगी थी। भारत द्वारा यह जानकारी उस वक्त अमेरिका को दी गई। अमेरिका को यह समझ गया था कि भारत और पाक के बीच युद्ध होने वाला है। अब अमेरिका को डर था यदि भारत जीत गया तो उनके समर्थन से एशिया में सोवियत संघ का विस्तार बढ़ जाएगा। 1971 को पाकिस्तान ने भी अमेरिका को एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि हमारी सरकार पूर्वी हिस्से में संतुलन बनाने में पूरी तरह असमर्थ हो चुकी है। अब इस खत से अमेरिका को पूरा यकीन हो गया कि युद्ध तय है, इसलिए उसने चीन, यूके और बाकी देशों को एक करने की योजना बना ली। लेकिन भारत इस बात से बेखबर था कि अमेरिका इस मुद्दे में भारत को घेरना चाहता है। हालांकि जब तक भारत की ओर से पहला हमला हो उससे पहले पाक ने 3 दिसंबर की रात को भारत पर हमला कर दिया। भारत को अंदाजा था और तैयारी भी थी, इसलिए भारत ने भी युद्ध का आगाज कर दिया। अमेरिका को जब पता चला तो घबरा गया और पाक का साथ देने के लिए अपना लड़ाकू जहाज बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि वो अपने लड़ाकू जहाजों के कारण भारत को आत्मसमर्पण करवा देगा। इतने में भारतीय खुफिया एजेंसी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन द्वारा भेजा गया एक संदेश पकड़ा जिसमें निक्सन ने कहा कि 75,000 टन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। खबर मिलते ही भारतीय नौसेना ने अपने लड़ाकू जहाज विक्रांत को मैदान में उतार दिया। अब विक्रांत चट्टान बनकर खड़ा था। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से एक और खबर आई कि ब्रिटिश लड़ाकू जहाज ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ ये भी पता चला कि अमेरिका, यूके और चीन ही नहीं बल्कि कई और देशों के जहाज भी भारत की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कि सऊदी, जॉर्डन और इटली। हालांकि इसके बाद भी भारत घबराया नहीं और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी और रूस भी बिना किसी झिझक अकेले भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ने निकल पड़ा। उस समय रशिया के पास इतने लड़ाकू जहाज नहीं थे कि सभी देशों को रोक पाए, फिर भी उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। फिर भी रशिया ने काफी लड़ाकू जहाज इंडिया के लिए उतार दिए। इतने जहाज देखकर यूके की हालत पतली हो गई और वह आधे रास्ते से वापस लौट गया। अब बारी थी अमेरिका की, जो कि लगातार भारत की तरफ बढ़ता जा रहा था। रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल अमेरिकन इंटरप्राइज की ओर कर दी। रूस की मिसाइल की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर तक ही थी, इसलिए रूस रिस्क लेते हुए अपने जहाजों को दुश्मन के बहुत करीब ले गया, जिससे दुश्मन अब उसकी रेंज में आ सके। और इसी के साथ कमांडर ने भी सबमरीन को पानी के ऊपर लाने का आदेश दे दिया, जिससे अमेरिका उन सबमरीन को देख सके और उसको यह बात समझ आ जाए कि भारत पर हमला करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। जब अमेरिका ने रूस के लड़ाकू जहाज देखे तो वह समझ गया कि रूस के पास हर वह चीज मौजूद है जो समुद्र में एक युद्ध जीतने के लिए काफी है। रूस ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी कि अगर वह भारत पर एक भी हमला किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, और तभी अमेरिका के जहाज वापस मुड़ती नजर आई। चीन को भी रूस ने सीधे सीधे धमका दिया कि अगर भारत पर एक भी हमला हुआ तो हमारी तरफ से हमारी सेना द्वारा चीन पर हमला कर दिया जाएगा। चीन समझ गया कि रूस से लड़ाई उसको बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए वह भी दुम दबाकर भाग गया।
समुद्र में मौजूद बाकी लड़ाकू विमानों ने बाकी देशों को भी वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और धीरे धीरे सभी देशों के जहाज उल्टे पांव वापस चलते नजर आई। चीन को भी रूस ने सीधे सीधे धमका दिया कि अगर भारत पर एक भी हमला हुआ तो हमारी तरफ से हमारी सेना द्वारा चीन पर हमला कर दिया जाएगा। चीन समझ गया कि रूस से लड़ाई उसको बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए वह भी दुम दबाकर भाग गया। समुद्र में मौजूद बाकी लड़ाकू विमानों ने बाकी देशों को भी वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और धीरे धीरे सभी देशों के जहाज उल्टे पांव वापस चलती नजर आए। इस तरह से रूस ने भारत की मदद तब की जब उसे आधी दुनिया ने घेर लिया था और इसी के साथ भारत ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी आजाद कराने की तरफ बढ़ रहा था, जिन पर पाकिस्तान ने बेहद जुर्म किए थे। इस बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नया दस्तावेज पारित किया, पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बनाने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और लाहौर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए। पाकिस्तान सेना भारतीय सेना के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसे देखते हुए आखिरकार 14 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के जनरल एएन नियाजी ने ढाका में मौजूद अमेरिकी उच्चायुक्त से कहा कि वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, जिसके बाद यह बात पहले वाशिंगटन पहुंची, उसके बाद वहां से नई दिल्ली में ये खबर पहुंची। इसके बाद भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक लिया गया। पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति के साथ पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया गया, जिसे बांग्लादेश नाम रखा गया, जहां आज भी बंगाली लोग खुशी खुशी रहते हैं। भारतीय इतिहास का यह एक अहम हिस्सा था, क्योंकि भारत ने न केवल पाकिस्तान पर ही जीत हासिल की, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन व बाकी देशों को भी एक नमूना दिखाया और यह भी संदेश दिया कि तुम सब मिलकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूर्वी पाक को जीतने के बाद भारत चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, लेकिन भारतीय उदार दिल के होते हैं, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाक को एक नया देश बनाया, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया और इस प्रकार 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ।